जब जंगल का सारा जानवर एक तट का पानी पी रहा हो तो समझिए दूसरी ओर शेर खड़ा है, और वो शेर है नरेंद्र मोदी जी। अजी बिल्कुल शेर भी नहीं, उनको बब्बर शेर बोल सकते। और भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करिए और भारत को तोड़ते रहिए, यही तो आपका मानसिकता बना हुआ है, यही तो आप करते रहिएगा स्टार्टिंग से। पहले पाकिस्तान कर दिए, बांग्लादेश कर दिए, इस बार खालिस्तान भी दे ही दीजिएगा। हो सकता है आप घोषणा पत्र में लिखे नहीं हो लेकिन दे देंगे कि मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान कर। अगर ऐसा है तो 40 लाख हिंदुओं का नरसंहार 1947 में कैसे हो गया, 26/11 हमला कैसे हो गया, और कश्मीरी कश्मीरियों को भगाया गया जो मस्जिद से अनाउंस किया गया था अपनी बहनों और बेटियों को छोड़ दो, ये सब मोदी जी की सरकार तो नहीं थी। मोदी सरकार तो 2014 से आई, उसके पहले क्या देश में दंगा नहीं हुआ था? जब देश का सब चोर घोटालेबाज एक पार्टी में हो जाएगा तो उसको थोड़ी ना कोई सपोर्ट करेगा। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव राहुल गांधी को बोल रहे थे कि वो ये है वो भ्रष्टाचार है, केजरीवाल खुद राहुल गांधी को बोल रहे थे पहले एक दूसरे को विरोध करिए और जब बात आई लोकसभा के चुनाव पर तो एकजुट हो जाइए। ये जो बोल रहे हैं कि 10 साल मोदी जी, तीसरे 15वां साल आने नहीं देंगे, तो भैया 60 साल क्यों चाट रहे थे, तीसरा आ रहा है, चलिए मानते हैं, चलिए 10 साल भाई। ये एक चीज इनका अच्छा लगा, इन्होंने बोला कि 10 ये सत्ता बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, तो तीसरा चेहरा भी कोई ईमानदार को लाओ ना भैया, चोर को हम क्यों दे, जिसका बाप दादा स्टार्टिंग से ही लूट रहा है उसको हम क्या लाए, कोई अच्छा चेहरा लाओ। विपक्ष में सुनिए, विपक्ष में मात्र एक ही महिला है जो विपक्ष के लायक है, वो है मायावती। उनका कभी भी विरोध देश हित में नहीं रहता, बाकी सबका जो भी बयान रहता है ना हिंदुओं के खिलाफ जो भी हो, धर्मवाद हो गया, देश के खिलाफ रहेगा, देश का मुद्दा का विरोध में वो इंडिया लाइन्स चली जाएगी, लेकिन मायावती एक ऐसी महिला है विपक्ष मानते हैं मायावती को। मणिपुर का रट लगा लिए, कर्नाटक राज्य में दो बहनों के साथ वो हुआ काट दिया गया, उन पर कांग्रेस वालों कुछ नहीं बोले। गाँवों में बोला जा रहा है कि आप लोग गाँव खाली कर दे क्योंकि वहां पे वो मुसलमानों बहुसंख्यक थे, इसके वजह से हमको कांग्रेस नहीं चाहिए, हमको देश आगे बढ़ाना वाला प्रधानमंत्री चाहिए। हम पिछले 11 साल से खाना पका रहे हैं, जैसे हम कलकत्ता से हैं, हम बिहार में आके खाना पका रहे हैं, तो यहाँ का आदमी को चाहिए यहाँ का जैसा देहाती साथ, जैसे चिकन में हो तो देहाती चिकन, मटन में हो तो चंपारण मीट, तो हम लोग हमेशा से पसंद करते आए हैं ITC का सनराइज मसाला। हम एक बार गेस्ट को पार्टी में, बर्थडे पार्टी में यूज़ किए थे सनराइज मसाला, उनको बहुत अच्छा लगा कि सनराइज मसाला ही देता है खाने को स्वाद बिहार का। तो क्या माहौल है देश में, क्या लग रहा है कि मोदी जी फिर से आएंगे या फिर बदलाव होगा? 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव है ना जिसमें लोग ये नहीं पूछ रहे कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, क्योंकि सारी जनता को पता है कि फिर से मोदी सरकार है। अजी 2024 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, इतिहास वही तो बता रहा हूँ, ये एक ऐसा लोकसभा का चुनाव होने वाला है जिसमें लोग ये नहीं पूछ रहे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसकी सरकार आ रही है किसकी सरकार जा रही है। लोगों को पहले से ही पता है कि इस बार फिर से मोदी सरकार ही आ रही है, मोदी जी हैट्रिक मार चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इतने सारे नेता एक मंच पर है और आप फिर भी बोल रहे हैं कि मोदी आ रहे हैं? अरे एक बात बताइए, जब देश का सब चोर घोटालेबाज एक पार्टी में हो जाएगा तो उसको थोड़ी ना कोई सपोर्ट करेगा। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव राहुल गांधी को बोल रहे थे कि वो ये है वो भ्रष्टाचार है, केजरीवाल खुद राहुल गांधी को बोल रहे थे पहले एक दूसरे को विरोध करिए, और जब बात आई लोकसभा के चुनाव पर तो एकजुट हो जाइए। जब जंगल का सारा जानवर एक तट का पानी पी रहा हो तो समझिए दूसरी ओर शेर खड़ा है, और वो शेर है नरेंद्र मोदी जी। अजी बिल्कुल शेर भी नहीं, उनको बब्बर शेर बोल सकते हैं आप एक मेरे लैंग्वेज में। बब्बर से? हाँ जी बिल्कुल। तेजस्वी यादव भोकाल मचाए हुए है पूरा बिहार। अरे भोकाल तो सब मचाए हुए है, उनका अलग चल रहा है। बिहार के लिए तेजस्वी यादव जो कुछ भी कर रहे सही कर रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के लिए, लेकिन देश को मोदी ही चाहिए, देश को मोदी ही चाहिए, मोदी ही चाहिए बोल रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं सरकार बदलाव होना चाहिए, 10 साल मोदी रहा हम लोग देख लिए मोदी क्या किए, नहीं 5 साल भी देख लिए 10 साल भी देख लाल देंगे नहीं हम लोग उनको बनने के लिए। इसलिए देखिए मोदी जी बोले 2 करोड़ जॉब देंगे, क्या 2 करोड़ जॉब प्राप्त हुआ? सभी युवा से पूछना चाहते हैं हुआ? मोदी जी ये भी अनाउंस करवाए थे जो 15 लाख रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। एक मिनट बता, 15 लाख बोले थे? नहीं बोले थे, इन लोग को थोड़ा वो प्रॉब्लम है सुनने में, हो सकता है चदरा वगैरह से कुछ दिक्कत हो सकता है। उन्होंने बोला था बाहर के विदेश में जो भारतीय मुद्रा है ना अगर वो देश में आता तो 15 से 20 लाख रुपया हर एक अकाउंट में चला जाएगा, वो घोषणा पत्र में वादा नहीं किए थे भैया, पहले हम ये बताना चाहेंगे। और बात रही रोजगार में मोदी सरकार थोड़ी फेल हो चुकी है, ऐसी नहीं थोड़ी फेल हो चुकी है, फिर भी 10 लाख में 7 लाख 70 हजार कुछ वैकेंसी सरकारी नौकरी की आई। आत्मनिर्भर तो बनाया है, तो वही तो बता रहा हूँ, 2014 के बाद देख लीजिए, 2022 से इसका PF का आंकड़ा पता ही होगा,
एक करोड़ कुछ आया है भैया, एक करोड़ नौकरी लगा तभी तो पीएफ का आंकड़ा आया ना 2022 से। इसका बोलिएगा ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो आप जाके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा पीएफ में कितने लोग ये ज्वाइन हुए हैं। देश का राजा ईमानदार है, देश का राजा बिल्कुल ईमानदार है। पहले राज ये जो बोल रहे हैं कि 10 साल मोदी जी, तीसरे 15वां साल आने नहीं देंगे, तो भैया 60 साल क्यों चाट रहे थे, तीसरा आ रहा, चलिए मानते हैं, चलिए 10 साल भाई। ये एक चीज इनका अच्छा लगा, इन्होंने बोला कि 10 ये सत्ता बदलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, तो तीसरा चेहरा भी कोई ईमानदार को लाओ ना भैया, चोर को हम क्यों दे, जिसका बाप दादा स्टार्टिंग से ही लूट रहा है उसको हम क्या लाए, कोई अच्छा चेहरा लाओ। विपक्ष में सुनिए, विपक्ष में मात्र एक ही महिला है जो विपक्ष के लायक है, वो है मायावती। उनका कभी भी विरोध देश हित में नहीं रहता, बाकी सबका जो भी बयान रहता है ना हिंदुओं के खिलाफ, जो भी हो, धर्मवाद हो गया, देश के खिलाफ रहेगा, देश का मुद्दा का विरोध में वो इंडिया अलायंस चली जाएगी, लेकिन मायावती एक ऐसी महिला है, विपक्ष मानते हैं मायावती को, उनका जो भी रहता है राष्ट्रहित में रहता है, अगर देश में कोई भी सरकार हो वो सपोर्ट कर रहा है तो मायावती उनके साथ में रहती है, क्योंकि वो जान रही है कि वो सही कर रहे हैं। आप कांग्रेस वालों को ले लीजिए, डायरेक्ट विरोध करने लगते हैं, विदेश में जाकर भारत का बुराई करते हैं। अरे वही तो बोल रहे, अरे भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करिए और भारत को तोड़ते रहिए, यही तो आपका मानसिकता बना हुआ है, यही तो आप करते रहिएगा स्टार्टिंग से, पहले पाकिस्तान कर दिए, बांग्लादेश कर दिए, इस बार खालिस्तान भी दे ही दीजिएगा, हो सकता है आप घोषणा पत्र में लिखे नहीं हो लेकिन दे देंगे। मोदी पर आरोप लगता है, लालू यादव ने भी कहा है कि मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान कर, अगर ऐसा है तो 40 लाख हिंदुओं का नरसंहार 1947 में कैसे हो गया, 26/11 हमला कैसे हो गया, और कश्मीरी कश्मीरियों को भगाया गया जो मस्जिद से अनाउंस किया गया था अपनी बहनों और बेटियों को छोड़ दो, ये सब मोदी जी की सरकार तो नहीं थी, मोदी सरकार तो 2014 से आई, उसके पहले क्या देश में दंगा नहीं हुआ था 2002 1992 कैसे भैया 1993 1994 जो लगातार चली थी दंगा, ऐसा थोड़ी ना, स्टार्टिंग से ही देख लो आप, ये मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, 14 से पहले सिर्फ मुस्लिम 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 होती थी, उनसे उनको दिक्कत नहीं थी, और 14 के बाद 2-3 बार क्या हिंदू मुस्लिम हो गया, इसके वजह से दिक्कत हो गया। और हिंदू मुस्लिम सुनिए, मोदी जी का कोई भी योजना बताइए जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, बताइए जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, सबके लिए है भैया, वो उनका योजना जो भी रहता है सबके लिए, ये नहीं बांटो कि हाँ भैया ये हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए। अब कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, उनको हिंदुओं को पता नहीं क्या मिलता भैया छेड़छाड़ करने से, अब जो भी हो बोलते हैं कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का, वही तो बता रहा हूँ ना क्या भैया, हमारा अधिकार ही नहीं है देश के संपत्ति पे, तो हमको भेज दीजिए और क्या करिएगा, आप तो पहले ही बोल दिए थे इन हिंदू और हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालना है, निकाल दीजिए, हम नहीं, हमारा भारत देश, फिर जाएंगे कहाँ, पाकिस्तान में रहने दीजिएगा, वहाँ कम से कम पहले आजादी के बाद 22% था, 0.23% आ गया, 2% आ गया पाकिस्तान में, बांग्लादेश में 0.2%, अफगानिस्तान में 0.2% आ गया, यहाँ से भी कम कर दीजिए और क्या करिएगा, आपका मानसिकता स्टार्टिंग से सनातन विरोधी है, आप उठा के देख लीजिए उनका बयानबाजी, हमेशा सनातन धर्म के खिलाफ ही रहता है, आपके सनातन धर्म के सपोर्ट में नहीं रहता, मणिपुर का रट लगा लिए, कर्नाटक राज्य में 2 बहनों के साथ वो हुआ काट दिया गया, उन पर कांग्रेस वालों कुछ नहीं बोले, यही मध्य प्रदेश में देखिए वहां काटा गया, सॉरी मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश कंफर्म नहीं हूं मैं, एक सेकंड, वहां ऐसा हुआ था कांड कुछ भी, तो वहां डायरेक्ट बुलडोजर चलवा दिए बाबा वहां के मुख्यमंत्री ने, और कर्नाटक को देख लीजिए, वहां जो आरोपी था उनको सिक्योरिटी दे दिया गया, अरे क्यों भैया क्यों, आपका सरकार आ गई, लोग फ्री ले रहे लेकिन लोगों को पता चल रहा है कि कांग्रेस आके वहां क्या कर दिया, सबसे 150 फीट का भारत ये ध्वजा था हमारा, भगवा ध्वजा था, उनको वो लोग ने हटवा दिया, गांवों से अनाउंस आ रहा है, कुछ दिन पहले न्यूज आया था, गांवों में बोला जा रहा है कि आप लोग गांव खाली कर दे क्योंकि वहां पे वो मुसलमानों बहुसंख्यक थे, इसके वजह से हमको कांग्रेस नहीं चाहिए, हमको देश आगे बढ़ाना वाला प्रधानमंत्री चाहिए, और वो छवि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में है, उनके अलावा किसी और में नहीं है।